अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आस्ट्रा वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीरीज़। बेसिकली आस्ट्रा एक थीम है और इस थीम को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह से एक नॉन टेक्निकल पर्सन जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, वो किस तरह से इस सिंपल एक थीम को यूज़ करते हुए अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन और उसको मैनेज कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल वे के अंदर मैं इस पूरी सीरीज़ को रखूँगा ताकि नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको अंडरस्टैंड कर पाए और इसको यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छी और फास्ट लोडिंग, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिज़ाइन कर पाए, डिवेलप कर पाए और उसके बाद उनको मैनेज कर पाए। बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं जो कि ब्लॉगर्स होते हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन उनको डिज़ाइनिंग का खासा आइडिया होता नहीं है और जो है वेबसाइट का थीम जो है उसके ऑप्टिमाइजेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप अच्छा फुली ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग बना सकेंगे सिर्फ एक थीम को यूज़ करते हुए। इसी तरह से कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए खुद ही वेबसाइट बनाए, उसको मैनेज करें और उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो किसी डिवेलपर को पे करें, तो वो लोग ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनको सर्विसेज देनी है फाइबर के ऊपर, अपर के ऊपर, वो सिर्फ इसी एक थीम को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकेंगे, डिज़ाइन कर सकेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो वो सारी वेबसाइट्स इसी एक थीम को यूज़ करते हुए बना सकेंगे। अब इस थीम के दो वर्जन्स हैं, एक प्रो है एक फ्री है। तो फ्री वर्जन के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि आप लोगों के पैसे ना लगें और इस फ्री वर्जन के अंदर ही ऑब्वियसली रह के आप अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। इसके साथ साथ ही मैं आपको प्रो वर्जन के बारे में भी कंप्लीट सिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा चीज़ें, प्रो वर्जन में क्या फ़र्क है, क्या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रो वर्जन के अंदर मिलेंगी और किस किस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसी के साथ साथ ही मैं आपको इस पूरे कोर्स के अंदर गिव अवे भी देने वाला हूँ, इस पूरे थीम का, प्रो थीम का एजेंसी लाइसेंस का गिव अवे भी देने वाला हूँ। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों को गिव अवे मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत ही चीप रेट्स के अंदर मैं आपको आपकी वेबसाइट्स के ऊपर ये जो आस्ट्रा प्रो थीम है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। इसके साथ साथ ही और गिव अवे भी है, एक वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग का गिव अवे भी इसी पूरी सीरीज़ के अंदर आपको मिलेगा। तो ये सीरीज़ कंप्लीट पैकेज है उन लोगों के लिए जो अपना करियर जस्ट स्टेप इन कर रहे हैं, चाहे वो जो है सर्विसेज देना चाह रहे हैं या फिर वो अपने लिए बिजनेस के लिए वेबसाइट सेटअप करना चाह रहे हैं या फिर जो है वो ब्लॉग सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कंप्लीट पैकेज है। तमाम परेशानियां, तमाम प्रॉब्लम्स इस एक सीरीज़ के अंदर आपके हल हो जाएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकोगे और उसको मैनेज कर सकोगे और किसी भी तरह का कोई भी डेवलपर आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली मैनर्स में पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है आस्ट्रा फ्री के अंदर और आस्ट्रा प्रो के अंदर। तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या फ़र्क है आस्ट्रा प्रो और आस्ट्रा फ्री के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ आस्ट्रा थीम और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है WP Astra, इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम प्राइसिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड के अंदर मिलती हैं, प्रो के अंदर मिलती हैं और उनकी क्या क्या प्राइजेज हैं और फ्री के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये है एक जो है प्राइसिंग प्लान है इनके। तो यहाँ पे देखें आस्ट्रा प्रो है, इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे हेडर को आप स्टिकी कर सकते हैं, ठीक है, लेआउट्स और ब्लॉग्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वू कॉमर्स के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, प्रीमियम स्पोर्ट्स है, अनलिमिटेड वेबसाइट, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, ठीक है, एडवांस फूटर बिल्डर है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और आपको मिलेगा $47 पर ईयर के अंदर, राइट। इसके साथ साथ ही इसेंशियल बंडल है, इसके अंदर आस्ट्रा प्रो मिलेगा और प्रीमियम साइट्स 180 स्टार्टर टेम्पलेट्स मिलेंगी, मतलब वन क्लिक के जरिए आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ ही यहाँ पे हमारे पास है ग्रोथ बंडल और ये इसके अंदर आपको और काफ़ी सारे प्लगइन्स भी मिलेंगे, जैसे स्पेक्ट्रा प्रो, अल्टीमेट एडोन्स, एलिमेंटर प्रो, अल्टीमेट एडोन्स फॉर बिगिनर बिल्डर्स, स्कीमा प्रो प्लगइन भी आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट प्रो प्लगइन्स भी आपको मिल जाएगा। आपको बेसिकली इनकी ज़रूरत नहीं है,
आपको आइडिया नहीं है इनके बारे में कि ये किस किस लिए यूज़ होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनकी तरफ अभी ना जाएं, राइट। तो इस कोर्स के कंप्लीट दो हिस्से होने वाले हैं, एक के अंदर मैं फ्री चीज़ें कवर करूँगा और फिर दूसरे हिस्से के अंदर प्रो वाली इन सारी चीज़ों को भी कवर करूँगा, राइट। तो ये थीम है। इसके अलावा अगर आप इसकी लाइफ टाइम डील्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइफ टाइम डील है $937 की, जो कि लाइफ टाइम आपको पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है, लेकिन ये वाला बंडल है मेरे पास जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, तो कहीं मिल जाएगा उस पूरे कोर्स को कंप्लीट एंड तक देखना आप लोगों ने, राइट। तो ये कुछ प्राइजिंग्स थी और इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, माइट भी आपको समझ नहीं आई होगी कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब हम आगे काम करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रो में मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है या आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, राइट। इसके अलावा जो मेन फीचर है वो है हमारे पास यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स। अगर मैं यहाँ से बैक पे आऊँ और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास 240 रेडीमेड वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे आपने वन क्लिक करना है और आपकी पूरी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी और बस आपने उसके अंदर कंटेंट और इमेजेस वगैरह चेंज करने हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा किस तरह से वो आपने चेंज करनी है, राइट। तो इसको ज़रा लोड होने दें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो हैं ई कॉमर्स के और बिजनेस वेबसाइट के और काफ़ी सारे अलग वेबसाइट्स के आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे डिज़ाइन। उसके अलावा जहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है आपको फ्री में ये वाले डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको प्रीमियम या प्रो वर्जन चाहिए होगा, ठीक है। प्रीमियम साइट्स वाला लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि एजेंसी लाइसेंस है जो हम इस पूरे कोर्स के अंदर गिव अवे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे डिज़ाइंस रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे देखें जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हैं। और अगर मैं इसको आपको डिफरेंट डिवाइसेस पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव वेबसाइट और फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आपने जस्ट वन क्लिक के जरिए ये पूरी जो डिज़ाइन है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वो चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, राइट। जो कि आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि फ्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं और प्रो के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ऑब्वियसली बात है कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगी और कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनके लिए आपको एक्सटेंडेड या प्रीमियम लाइसेंस चाहिए होगा, और मैं इस पूरे कोर्स के अंदर दोनों को ही कवर करूँगा, राइट। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन से आगे प्रोसेस लेके चलूँगा, किस तरह से इंस्टॉल करना है फ्री, किस तरह से उसके बाद उसको कस्टमाइज़ करना है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सेटिंग्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स को किस तरह एक्सेस करके इम्पोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आस्ट्रा को और किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से फ्री के अंदर जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनको किस तरह से इम्पोर्ट करना है। आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ वन क्लिक के अंदर आप अपनी वेबसाइट को कम्प्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर अपनी वेबसाइट को विजिट करूँ तो ये बिल्कुल कम्प्लीट खाली वेबसाइट है, राइट। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थीम्स के अंदर जाना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हमने सर्च करना है आस्ट्रा, ठीक है। सिंपल ये सर्च करेंगे और ये हमारे पास थीम है, सिंपल हमने इंस्टॉल किया इसको। इंस्टॉल करने के बाद ये हमसे कहेगा कि इसको एक्टिवेट करें, तो यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट भी कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे देखें बिल्कुल खाली वेबसाइट मेरी कुछ इस तरह से मौजूद है, राइट। अब यहाँ पे देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गेट स्टार्टेड। अब फ़र्ज़ करो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं नज़र आता किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, तो नॉर्मली ये ऑप्शन आपको नज़र आता है, राइट। तो आप इसको क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से ब्लैंक शो कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ये URL मिटा दूँगा और वापस डैशबोर्ड के अंदर चला जाऊँगा अगर आपको इस तरह से कुछ इशू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास। अगेन मैं अपनी वेबसाइट को रिसेट करता हूँ तो ये बहुत ही बेसिक सा जो डिज़ाइन है नॉर्मल ये है, राइट। अब यहाँ पे देखें अगर अपीयरेंस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मौजूद स्टार्टर टेम्पलेट्स का। सिंपल इसके अंदर क्लिक करना है इसके ऊपर मैंने। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा,
लेट्स सपोज मैं अभी वापस चल के आपको दिखाता हूँ, अगर ये स्टार्टर टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने क्या शोर करना है, प्लगइन्स के अंदर जाना और यहाँ पे देखना है कि ये प्लगइन आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर ये नहीं इंस्टॉल्ड तो आप सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे और यहाँ पे ये सर्च करोगे स्टार्टर टेम्पलेट्स का, राइट, और ये वाला प्लगइन जो है आप इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन बिल्डर्स हैं, एक जो वर्डप्रेस का इनबिल्ट बिल्डर है, ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर है, और बीवर बिल्डर है। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा आप लोगों को आप एलिमेंटर को चूज़ करें। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स नज़र आ गई हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इनको हमने अब इम्पोर्ट करना है। लेट्स सपोज अब मुझे आप अपनी कन्वीनियंसी के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ से जो टेम्पलेट है उसको चूज़ करेंगे और फिर उसको एडिट करेंगे। तो ये सारे काम हम सीखेंगे, आगे चल के मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारी जो डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, जो भी आपके मुताबिक हो, सूटेबल हो, आप वो जो थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आपको फ्री के अंदर काफ़ी सारे जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप कैटेगरी से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपको किस तरह का चाहिए। लेट्स सपोज मैं एजेंसी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल एक एजेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स आ गए, जो कि यहाँ पे देखें ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये प्रीमियम है, यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स हैं, कुछ फ्री हैं। तो आपको ऑब्वियसली बात है विद इन फ्री के अंदर ही रह के चूज़ करना पड़ेगा अभी के लिए, आगे चल के मैं आपको प्रीमियम का भी दिखाऊँगा। तो अभी के लिए मुझे जो अच्छा डिज़ाइन लग रहा है वो ये काफ़ी अच्छा और सूटेबल लग रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, गो बैक जाके अगेन यहाँ से एजेंसी सेलेक्ट करके, ये थीम काफ़ी अच्छा है, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये मुझे कुछ इंटरफेस दिखाएगा कि जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ये थीम कुछ इस तरह से नज़र आएगा, राइट। लाइव प्रीव्यू भी देख लिया, अब आपने क्या करना है, इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर देना सिंपल। पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर्स हैं, आप इन कलर्स को यहीं से चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ इस वाले कलर के साथ, ब्लू, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इस कलर के साथ चलता हूँ। और मैं सिंपल इस पर क्या करता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, इसको मैं कुछ भी फिल नहीं करता और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सबमिट एंड क्रिएट। अब यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया कंप्लीट डिज़ाइन, और ये विद इन सेकेंड्स के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगी। अब उसको एडिट किस तरह से करना है, अपने मुताबिक उसके अंदर टेक्स्ट की एडिशन, डिलीशन, पिक्चर्स की एडिशन, डिलीशन, वो आगे चल के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट यहाँ के लिए हमने क्या सीखा, किस तरह से आस्ट्रा इंस्टॉल करना है और स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्सेस करके जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है उसको अपनी वेबसाइट पर किस तरह से अप्लाई करना है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो पूरा हो चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट को जब विजिट करूँ तो यहाँ पे देखें हमारी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन हो चुकी है उसी डिज़ाइन के मुताबिक। ये देखें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त। यहाँ पे किस तरह से एडिट करना है इस पूरे डिज़ाइन को, किस तरह से लोगो चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, इसके ऊपर लिंक लगाना है, इन डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करके किस तरह से इनको एडिट करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मज़ीद टिकटॉक पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिज़ाइन इंपोर्ट किया था, सेटअप किया था आस्ट्रा फ्री को इंस्टॉल करके, और वो जो टेम्पलेट हमने सेटअप की थी अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको किस तरह से एडिट करना है, उसके अंदर अल्टरेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से उनको एक्सेस करना है, और किस तरह से इमेजेस को चेंज करना है, किस तरह से टेक्स्ट को चेंज करना है, बटन्स को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इस चीज़ को मज़ीद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन सेटअप कर लिया था, और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है सर्विसेज के पेजेस हैं। तो अब मैं इसको बेसिक से आपको आइडिया दूंगा कि किस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह को और इमेजेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं एक दफ़ा डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं
इस पूरे डिज़ाइन के अंदर अपनी सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि एडिट विद एलिमेंट, राइट। आप किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंट, मतलब इस स्पेसिफिक पेज को आप एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये कॉन्टेक्ट अस पेज है, ये है, तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर आ गया। कोई भी पेज आपने एडिट करना है, किसी भी पेज में ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, ये चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, या कुछ भी चेंज करना है, तो आप एडिट विद एलिमेंटर से करेंगे, राइट। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये लोगो, इसको कहाँ से चेंज करेंगे, तो वो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, वो आता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर या कस्टमाइज के अंदर, राइट। इन दोनों ऑप्शंस को अभी के लिए हम देखेंगे, और यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ें आपको चेंज करनी है, तो ये भी आपको कस्टमाइज से ही चेंज होंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हुए आप चीज़ों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपल एडिट विद एलिमेंटर, ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटर पे करना है, जो भी पेज आप एडिट करना चाह रहे हो। तो मैंने होम पेज को एडिट किया सिंपल कुछ इस तरह से, तो इनको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज है, ये टेक्स्ट है, और हमने इसको एडिटिंग मोड के अंदर डाल दिया है एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो देखिए इस पर मैं जैसे हर आइटम के साथ एक छोटा सा पेंसिल का बटन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उस पेंसिल के बटन को ऐड करेंगे, राइट, उससे हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैं एडिट करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, कॉन्टेंट, स्टाइल एंड एडवांस। अब इसका अगर कंटेंट चेंज करना है तो ये पहले टैब के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है, किस तरह से सेटअप करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है। द कंप्लीट आस्ट्रा थीम डिज़ाइन, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको चेंज कर सकते हैं आप, राइट। अब लेट्स सपोज मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, ये सारी चीज़ें, तो मैं इसी पे एडिट करके यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे इसका कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे ब्लू चाहिए कुछ इस तरह का, तो ये देखें वो मैंने इस तरह से चेंज कर लिया। इसी तरह से टाइपोग्राफी के अंदर ये देखें फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, जैसे इस तरह से अगर कुछ फॉन्ट या जो भी फॉन्ट मुझे चेंज करना है वो मैं इस तरह से चेंज कर लूँगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारे जो डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, जिस मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने एडिट करना है, बाकी आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि किसी भी कंटेंट चेंज करना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, और स्टाइल चेंज करना तो ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज जहाँ पे भी आ रही है, अब ये देखें फ्रंट एंड इमेज है तो इस पर वो नज़र आ रहा है हमारे पास पेंसिल का आइकन, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इमेज आ गई, इस इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से जो इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं इमेजेस, इनको हम यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी अटैच है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल, और यहाँ पे देखें मुझे उस तरह की इमेजेस शो हो जाएंगी, मैं यहाँ से ऑनलाइन डायरेक्ट डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लोड होगी, लोड होने के बाद वो इमेज जो है वो वहाँ पे सेटअप हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ लाइब्रेरी से ही चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने ये वाली इमेज चूज़ की, तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से शो हुई है, लेकिन मुझे उसी डायमेंशन में चूज़ करनी है, अभी के लिए मैं उसी को वैसे ही रहने देता हूँ। लेकिन कुछ इमेजेस हैं जैसे ये बैकग्राउंड, अब इसको हम किस तरह से एडिट करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये थ्री डॉट्स जो हैं ये पूरा सेक्शन है, इस थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इस पूरे सेक्शन की सेटिंग्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे सेट हुआ पड़ा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको कुछ इस तरह के से चेंज कर सकता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो गया, और चेंज करने के बाद मैं इसको जब अपडेट करूँगा और अब मैं अपनी वेबसाइट को देखूंगा तो जो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो मेरी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कलर चेंज किया था, बैकग्राउंड इमेज चेंज किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखें किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आइकन सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। बट देखें ये वाले जो चीज़ें हैं ना ये एडिटिंग में आपको शो नहीं हो रही या आप इनको एडिट नहीं कर पा रहे,
तो इसको हम क्या करेंगे, कस्टमाइज वाले ऑप्शन से चेंज करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये दो ऑप्शन है। तो अब जैसे मैंने होम पेज चेंज किया, तो इसी तरह मुझे अब अबाउट अस को एडिट करना है, तो सिंपल मैं अबाउट अस पे जाऊंगा और यहाँ से देखें एडिट विद एलिमेंटर में इसको एडिटर मोड में जाऊंगा, जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मैं चेंज करूंगा। और इसी तरह से यहाँ पे देखें, मुझे अब यहाँ पे सिर्फ 3 बॉक्सेस ही चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे देखें ये पूरा बॉक्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स आ गया। अब मुझे यहाँ पे 3 के बजाय 2 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखें इस पे राइट क्लिक करूँगा, इस कॉलम पे और डिलीट करूँगा, तो यहाँ पे देखें 2 बॉक्स चाहिए। अब ये मुझे इनको 4 चाहिए मुझे इस स्टाइल के अंदर, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा और यहाँ पे देखें 4 आ गए। अब इनको आपने चेंज करना है, इसके आइकन्स कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें राइट, तो इस तरह से आप इसे प्ले अराउंड कर सकते हैं और ये बेसिक सी चीज़ें आप इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गया, इसको मैं अपडेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी पेज आपने डिज़ाइन करना है, एडिट करना है, उसकी इमेजेस चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, जो चीज़ें आपको उसमें से नहीं चाहिए वो डिलीट करनी है, जो चीज़ें चाहिए वो रखनी है या और चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किस तरह से यूज़ करेंगे। राइट, बेसिक से अगर एलिमेंटर के अबाउट आपने कंप्लीट सीखना पूरा A to Z, तो मैंने इसी तरह से एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप कंप्लीट वर्डप्रेस सीख जाएंगे, उससे किसी भी तरह की सर्विसेज दे पाएंगे वर्डप्रेस की इंशाल्लाह। राइट, वो चैनल के ऊपर कंप्लीट कोर्स मौजूद है। चले बैक टू द कोर्स आते हैं हम। राइट, तो ये हो गया पहला ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन, इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर, तो सिंपल मैं इस पर कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा। कस्टमाइज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ें तो आप एडिट कर पा रहे थे, ठीक है, पूरी एडिट विद एलिमेंटर से, बट ये हेडर वाली और ये फुटर वाली चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखें अगर मुझे ये लोगो चेंज करना है, तो देखें इसके ऊपर पेंसिल का आइकन आ रहा है, सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया चेंज लोगो के साथ मुझे जो भी लोगो चाहिए वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा, कुछ इस तरह से जो भी लोगो मुझे चाहिए। आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे चूज लोगो की आपने यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपना लोगो। ठीक है, अभी के देख लें यहाँ पे वो लोगो लग चुका है, बट मैं इसको बैक उसी तरह से जो इसका ओरिजिनल लोगो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको उसी तरह से रहने दूंगा। जस्ट आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से अपने लोगो चेंज करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखें ये वाला बटन चेंज करना है, इसके ऊपर लिंक लगाना है कि ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, कौन से पेज पे हो। अब लेट्स सपोज मुझे क्लिक करवाने पे कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस है इसके ऊपर जाता हूँ और इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस बटन का वो लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस नाउ। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखें इसी तरह से टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसी तरह से ये है बॉटम हमारे पास, इस बॉटम पे हम क्लिक करेंगे तो देखें बॉटम की सारी सेटिंग्स शो हो गई हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये उसी ऑर्डर से ये सारी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं। अब आपको ये वाली चीज़ें चेंज करनी है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे गॉट इट, और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये लोगो एडिट है इसको आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये आप आइकन्स ऐड करके यहाँ पे URLs लगा सकते हैं, जो सोशल मीडिया आपको नहीं चाहिए उसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसके अंदर जो भी चीज़ें उनको ऐड या डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये जैसे इसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे देखें करंट साइड पावर्ड बाय, इसको मिटा के कुछ भी अपना लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ All rights reserved। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया उसी तरह से, तो इसको मैं फिर यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, मतलब ये जो सेटिंग्स जो मैंने की हैं वो सेव हो गई हैं इस तरह से जैसे मैंने सेटिंग्स की हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इन मेन्यूज़ का कलर चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी हाइट और विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, अभी के लिए मैं इसको वैसे ही रहने दूंगा। और यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन, अब यहाँ पे देखें इनका जो कलर है वो ये है डिवाइडर, और यहाँ पे मैं इनका क्या करूँगा बॉर्डर कलर, मेन्यू लिंक कलर, तो यहाँ पे देखें इनके मैं जो लिंक्स है वो चेंज कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई राइट नाउ इसके जो
देखें यहाँ पे, तो मैं इस तरह से जो भी मुझे लिंक्स चाहिए होंगे, जो भी कलर्स चाहिए होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग की सेटअप होगा वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और जो भी स्पेसिंग देनी होगी इनके दरमियान, वो सारे ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे देखें, ये मेन्यू का जो फॉन्ट है वो चेंज करना है तो मैं यहाँ से देखें कुछ इस तरह का फॉन्ट चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कोई और फॉन्ट आ गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। राइट, अभी के लिए मैं इसको वापस उधर ही ले जाता हूँ। इसका जो साइज़ है वो इस तरह कैपिटल में करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज़ इस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और ठीक है जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उतना ही रहने दूँगा, जो कि अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं। आपको समझ आई होगी कि किस तरह से इम्पोर्ट करके उसको एडिट करना है, एलिमेंटर को यूज़ करते हो और कस्टमाइज को यूज़ करते हो। आगे चल के भी जब हम और ऑप्शंस देखेंगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर, किस तरह से ब्लॉग बनाना है, बिजनेस वेबसाइट कंप्लीट बना के दिखाऊंगा, ई कॉमर्स, तो फिर मज़ीद और ऑप्शंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से आप जो इम्पोर्टेड डिज़ाइन है उसको किस तरह से आप एडिट कर पाओगे अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अंदर चीज़ें एडिशन या डिलीशन कर पाओगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आई होप आपको समझ आई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें कवर की थी, आस्ट्रा थीम के अबाउट किस तरह से इंस्टॉल करना है, टेम्पलेट इम्पोर्ट करनी है, और बेसिक से कस्टमाइजेशन भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन, जो कि बिज़नेस वेबसाइट होगी। हम रेस्टोरेंट का बिज़नेस के रेलिवेंट एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर होम, अबाउट, सर्विसेज या मेन्यू या कॉन्टैक्ट, ये चार पेजेस होंगे। और मैं लोगो भी बना के दिखाऊंगा किस तरह से लोगो बना के दिखाना है, और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से फॉर्म्स वगैरह चेंज करना है, और ये सारी चीज़ें के बाद मैं आप लोगों के साथ इस पूरे लेक्चर के अंदर बात करूँगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके देखें। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा करंट वेबसाइट का व्यू है वो काफ़ी बेसिक है, कुछ इस तरह से व्यू है। राइट, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ से थीम के ऊपर, और सिंपल हमने क्या सर्च करना है, यहाँ से आस्ट्रा। राइट, जैसे आस्ट्रा सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास ये थीम है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल एक्टिवेशन होने के बाद अगर अब हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास बेसिक सा थीम सेटअप हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें एज़ यूजुअल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मौजूद है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑप्शन नज़र आएगा, ये ब्लैंक स्क्रीन, इसको हमने वापस क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टार्टर टेम्पलेट्स का। तो हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाएंगे, तो सिंपल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटर, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं रेस्टोरेंट, और मैंने यहाँ पर ये सर्च किया, और यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे थीम, बल्कि ये सर्च वाले थीम नहीं आए, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्च करूँगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वाले थीम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, प्रीमियम है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फ्री वाला जो डिज़ाइन है वो ये वाला है, एक ये वाला है, और ये वाला है। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे आपको थीम्स नज़र आ जाएंगे अगर आपका ये देखें इसी तरह से। अब किस तरह का थीम आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे जो डिज़ाइन चाहिए वो एक ये होटल के लिए मेरे ख्याल से, और यहाँ पे ये है रेस्टोरेंट का, तो आई गेस आई शुड गो विद दिस वन। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से इस थीम को पहले देखता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी कूल लग रहा है ये, तो सिंपल यहाँ पर मैं जो कलर्स हैं वो अपने मुताबिक सेट करूँगा। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये सिलेक्ट कर लिया, बाकी फॉन्ट्स वगैरह काफ़ी सारे सही हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करेंगे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, हमारी पूरी वेबसाइट जो है एग्जैक्टली सेम एज रिक्वायर्ड डिज़ाइन होना स्टार्ट होगी। हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो टेम्पलेट यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। तो सिंपल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद तमाम जो
वेबसाइट अब उसी तरह से डिज़ाइन हो जाएगी। उसके बाद फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे और फिर किस तरह से लोगो डिज़ाइन करके लोगो ऐड करना, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये बेसिकली 90% हुआ है, फाइनल चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 100% हमारे पास हो चुका है। इसको मैं अगेन रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है वो एग्जैक्टली उसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए डिज़ाइन हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये एक लोगो डिज़ाइन करना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इनके अंदर जाएंगे इन पेजेस में और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, राइट। और रिजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोगो क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोगो, ठीक है। लोगो लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास काफ़ी सारे जो लोगो के डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। या फिर फूड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे अच्छे डिज़ाइन मौजूद हैं हमारे पास। हमारा जो मेन कलर था वो था ये वाला ऑरेंज, सम सॉर्ट ऑफ ऑरेंज। तो हम क्या करते हैं, आई थिंक इसको चूज़ करना चाहिए मुझे, या फिर कोई भी डिज़ाइन यहाँ से जो भी अच्छा लगे हमें हम उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसी को चूज़ कर देता हूँ। और इसके जो ये कलर्स हैं यहाँ पे देखें, हमारे पास ये ऑरेंज एक कलर है, इसका मैं कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ इस वाले से, या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, जबकि इस वाले को चेंज कर देता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट के साथ ये थोड़ा सा सिंक हो जाए, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तौसीक फूड, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं सिर्फ इसको तौसीक ही लिख देता हूँ, या जो भी आप इसका साइज़ वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइन है ये कुछ सेटअप हो चुका है, हमारा लोगो बन चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप मेक श्योर करें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो, ठीक है, और PNG के अंदर हो। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये लोगो हमारा बन चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मुझे कस्टमाइज़ के अंदर जाना पड़ेगा और कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल इस पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, चेंज लोगो, और यहाँ पे मैं इस लोगो को पेस्ट कर लेता हूँ या अपलोड कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो यहाँ पे ये देखें ये क्रॉप वाला ऑप्शन है। ये फालतू जो स्पेसेस है इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। और मैं इस पर अप्लाई क्रॉप कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास जो क्रॉप है वो हो चुका है। अगेन मैं इसको वेरीफाई करने के लिए देख लेता हूँ, ओके, अप्लाई क्रॉप एंड सेव एडिट्स। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा, अब ये देखें, और अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद वापस मैं इधर आया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं यहाँ से भी सेटअप कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास लोगो कुछ इस तरह से लग जाएगा। अगेन मैं चूज़ इमेज करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो ये लोगो है इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लोगो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था वो बैकग्राउंड को रिमूव करके किया था, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अगेन मैं इसको डाउनलोड कर, और अगेन यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ, राइट। अब जो है इसका बैकग्राउंड नहीं है जो कि हमें ज़्यादा अच्छा सूटेबल लगेगा,
ओके यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, अगेन चेंज करना है और मैं इसको अगेन एडिट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर पाऊँ। तो ये हमारे पास क्रॉप यहाँ पे आ गए इस तरह से, और ये हमने क्या कर लिया, इसको क्रॉप कर लिया। अप्लाई क्रॉप और अपडेट, अपडेट कर दिया इसको, यहाँ पे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अगेन वापस आया और चूज इमेज कर, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए पब्लिश कर देता हूँ और एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ओके अगेन मैं इस लोगो के ऊपर आया और यहाँ पे ये हमारे पास लोगो आ गया। अब यहाँ पे देखें लोगो विड्थ, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। आपका लोगो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट हो सकता है, या मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दूँगा, या आप कोई भी लोगो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी जल्दी के अंदर एक बेसिक सा लोगो बनाया। आप थोड़ा सा अच्छा लोगो बना सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए, या इलस्ट्रेटर के अंदर बना के और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको कर दूँगा पब्लिश। हमारा लोगो हमें पता चल गया किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पे मैंने बेसिक सा लोगो यूज़ किया तो मुझे अच्छा लग भी नहीं रहा, बट आई हैव यूज़ दैट जस्ट टू शो यू दैट हाउ टू चेंज द लोगो। ओके तो इस तरह से बना के और चेंज कर सकते हैं। अब मुझे सबसे पहला काम ये हो गया यहाँ पे, और मैं अब बॉटम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अगर मुझे यहाँ से कुछ एडिट करना है तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी फ़ोन नंबर है मेरा, ठीक है, से लाइक दिस। यहाँ पे अपने वेबसाइट के सोशल मीडियाज़ के लिंक्स लगा सकता हूँ, जो भी मेरी बिजनेस है उसके सोशल मीडियाज़ हैं, कोई और सोशल मीडिया ऐड करना है यहाँ से सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनके लिंक्स डाल सकते हैं, कोई डिलीट करना हो तो इस तरह से डिलीट करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो अब ये बेसिक कस्टमाइजेशन तो हो गई, अब मैं चलता हूँ वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखें, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी पेज आपको एडिट करना हो तो आपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। हमारी वेबसाइट एडिटिंग मोड के अंदर चली जाएगी, और एडिटिंग मोड के अंदर जाने के बाद सिंपल हम इसको क्या कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, ये इमेज, ये वीडियो चेंज करनी है, मैंने बताया था बैकग्राउंड यहाँ पे आना है, ये स्टाइल के अंदर आना है, और देखें यूट्यूब की कोई भी वीडियो का लिंक आप यहाँ पे डालेंगे वो वीडियो यहाँ पे चलने लग जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले लिंक्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे, तो इनको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और ये मेन्यू वाला लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखें आवर मेन्यू, जब कोई इस पर क्लिक करे तो आवर मेन्यू के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। वो लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। रिजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो, तो मैं इसको यहाँ पे ये हमारे पास लिंक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिजर्वेशन वाले उसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और इस तरह से एडिट हो गया। अब इस तरह से जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है, जो भी टेक्स्ट, जो भी इमेजेस, जो भी सारी चीज़ें चेंज करनी है, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं इस तरह से डिलीट करके अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो सेक्शन है, ये काफ़ी बुरा सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला सेक्शन है इसके इस बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और इसका जो बैकग्राउंड ओवरले है, सॉरी यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है, देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड था, इसका मैं कलर कोड कॉपी करूँगा और इसके बैकग्राउंड के अंदर भी डाल दूँगा, सॉरी इधर इसका स्टाइल के अंदर आके ये बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड ओवरले। ये बेसिकली डिवाइडर होगा, शेप डिवाइडर जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये टॉप है और इसका जो कलर है वो ये वाला। तो अब देखें यहाँ पे ये काफ़ी सही लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसका जो शेप डिवाइडर है,
ग्राफिक्स को हम मतलब एडिटिंग में आए, स्टाइल के अंदर है, और यहाँ पे ये शेप डिवाइडर है, ये बॉटम पे शेप डिवाइडर लगा हुआ है, ठीक है। इसका कलर जो है हमें इस तरह से सेटअप कर देते हैं जो कि उसका, अब देखें ये काफ़ी स्मूथ सा लग रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही मैं इसको वापस लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय डिज़ायर, और जो भी चीज़ें डिलीट करनी है वो मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे यहाँ 6 की बजाय 4 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर दूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, तो ये 4 हो गए। अब मुझे 6 की बजाय ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, इसको सिमिलरली इसी तरह से डुप्लीकेट कर दूँगा, जितने भी चाहिए वो मैं इस तरह डुप्लीकेट करके इनकी इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि एलिमेंटर में मैं पीछे भी सिखा चुका हूँ, आपको अभी बेसिक सी समझ आ चुकी होगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें एडिट करनी है। अब होम पेज ही एडिट करके मुझे सिर्फ अपडेट करना है, और जो भी चेंजेस यहाँ पे हुई होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह फिर ये होम पेज वाला एडिट हो गया, फिर मुझे अब अबाउट अस के अंदर जाना है, और अबाउट अस के अंदर जाने के बाद जो भी चेंजेस मुझे यहाँ पे करनी है, ये इमेज चेंज करनी है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, और क्या होगा, हम एबल हो जाएंगे वो पेज एडिट करने के, और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या चीज़ें एडिशन या डिलीशन करने के, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप चेंज कर लेंगे सारे पेजेस जो भी स्टैटिक हैं, लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम इस कॉन्टैक्टर्स के अंदर आएँ और यहाँ पे देखें, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, अगर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँ, तो यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाली लोकेशन आ गई, ठीक, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। बट अगर मैं इस फॉर्म को यूज़ करूँ, तो यहाँ पे आपको कोड नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा, जो भी यूज़र इसको फिल करेगा वो ईमेल्स कहाँ पे जाएंगी, कौन सी ईमेल पे रिसीव होंगी, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम वापस डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ये WP फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको हम एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये देखें, सेटिंग्स के अंदर और नोटिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पे हम अपनी ईमेल डाल देंगे कि कोई भी शख्स इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करे, तो हमारी जो डिज़ायर्ड ईमेल जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसके ऊपर हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, या उसका जो भी क्वेश्चन है वो हमें वहाँ पे रिसीव हो जाए, और हम उसको फिर वापस ईमेल के ज़रिए रिस्पॉन्स कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए आप एक बिज़नेस या रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, और बेसिक से अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बना सकते हैं, और बेसिक नहीं कह सकता मैं, काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ, ठीक है। और जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई डिज़ाइनर या कोडर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही सारी बेसिक चीज़ है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, या कोई सर्विस देने के लिए बेसिक स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी परफेक्ट चीज़ें समझ आ रही होंगी किस तरह से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए एक अच्छा रिस्पॉन्सिव फास्ट लोडिंग ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर उसकी मैं कस्टमाइजेशन भी बताऊँगा, किस तरह से लोगो बना के उस ब्लॉग के ऊपर लगाना, किस तरह से एक फुली फंक्शनल ब्लॉग बनाना अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या कोई नया ब्लॉग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा किस तरह से वो डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोडर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डेवलपर या डिज़ाइनर को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप सिंपल इसको फॉलो करने के बाद अपना जो ब्लॉग है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे, जो कि अच्छा फास्ट लोडिंग ब्लॉग होगा और टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, और सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास बेसिक सा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली वेबसाइट है हमारी। तो सिंपल जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर, ऐड न्यू, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे आस्ट्रा। ये एक थीम है जो कि टोटली फ्री है, आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा गेट स्टार्टेड का, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
अब हम आप अगर अपनी वेबसाइट को देखें तो बिल्कुल बेसिक सा वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस बैक लेके आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ और स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। वर्डप्रेस को सॉरी थीम को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नेसेसरी प्लगइन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद अपेयरेंस के अंदर जाके आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेज बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि हमारा गोल है ब्लॉग डिज़ाइन करना, तो मैं सिंपल ब्लॉग सर्च कर लूँगा यहाँ पे। और हमारे पास देखें काफ़ी सारे ब्लॉग्स यहाँ पे नज़र आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ प्रीमियम ब्लॉग्स हैं, इनके लिए आपको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए होगा इसका आस्ट्रा का, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। मैं आप लोगों को उसकी सेटिंग्स और उसकी सारी चीज़ें किस तरह से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें अभी के लिए प्रीमियम हैं और कुछ ब्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी फ्री हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये एक ब्लॉग है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ब्लॉग वो अच्छे से शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो एक ये ब्लॉग है, फिर इसके अलावा मैं अगर बैक आऊँ और वापस आ गया हमारे पास और काफ़ी, और ये वाला एक ब्लॉग है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास ब्लॉग है, इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगा और एडिट करूँगा आप लोगों के सामने आपके डिज़ायर के मुताबिक। तो मैं इसको यहाँ से आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल कलर यहाँ पे सेट हो जाएंगे, आपको किस तरह का कलर्स चाहिए। तो क्योंकि ये एक फैशन ब्लॉग है, हम फैशन ब्लॉग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो कलर है ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे जो बेसिक टेम्पलेट है, डिज़ाइन है, वो सेटअप होना शुरू हो गया। अब जैसे ही ये सेटअप होगा इसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम इसके अंदर निकालेंगे और एक अच्छा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग ब्लॉग हम बनाएंगे और आपको लोगों को बताऊंगा किस तरह से लोगो क्रिएट करना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे जब तक ये क्रिएट हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए हम कैनवा पे आएंगे। कैनवा पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च करना है लोगो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसको सर्च कर देना है, ठीक। इसको देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हमने करनी है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला था, हम लोगो क्रिएट करने वाले थे। अब हमें कुछ इस तरह का लोगो चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैं साइज़ देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वापस इधर आता हूँ और यहाँ पे मीडिया के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो लोगो है इसका साइज़ क्या है। यहाँ पे इसका लोगो का साइज़ नहीं शो हो रहा, तो ये वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी बेसिकली इसका साइज़ शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन कर लूँगा और इसको मैं क्या कर दूँ, सेव कर लूँगा, ठीक है। और ये हमारे पास SVG लोगो जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो ये हमारे पास लोगो था, इसको मैं यहाँ से गेट इन्फो या इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास देखें जो इसके ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए। तो ये एक SVG फाइल है जिसकी वजह से ये यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है वो शो नहीं कर रहा, तो मैं अभी इसके लिए कट कर देता हूँ और हम कोई भी डायमेंशन यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें सूटेबल लग रही है। अब यहाँ पे ये वाली शो हो रही है, फिर मैं अगेन वापस इधर जाऊँगा और कस्टम साइज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 350x150, ठीक है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी सही रहेगा। तो इसको मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने एक कैनवस बना लिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर बनाना है लोगो, लोगो जो हमारी ये वेबसाइट थी, इसको मैं वापस इधर लेके आता हूँ इस वेबसाइट के लिए। तो इस वेबसाइट पे हमें लोगो बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
सिंपल, ये मैंने दो चीज़ें सेटअप की थी। देखिए, सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के बाद मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट जो है मेरे ब्लॉग के रेलिवेंट वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे डिज़ाइन करना है लोगो। लोगो डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक साइज़ लिया, ठीक है, जो कि ये था, जो भी हमने साइज़ सेलेक्ट किया 350x150 इस तरह से। तो ये हमारे पास एक कैनवस शो हो गया। अब इसके अंदर हमने लोगो डिज़ाइन करना है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने यहाँ पे कस्टम साइज़ लिया और एक और किया, एक और काम मैंने ये किया, यहाँ पे क्लिक किया और लोगो पे सेलेक्ट किया, ठीक है, लोगो चूज़ किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास दो स्क्रीन शो हो रही हैं। अब यहाँ से हम लोगो उठाएंगे और इसके ऊपर इस डायमेंशन के अंदर सेट करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, फैशन का लोगो चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फैशन सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोगो हैं, बट मेरे ख्याल से देखें काफ़ी सारे लोगोज हैं जो कि फैशन से रेलिवेंट हैं, तो हमारे पास ये लोगो काफ़ी सही लगेगा, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे देखें इस लोगो को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी करके इस वाले डायमेंशन के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको अलाउ कर देना है। तो ये एक यहाँ से ये आ गया और इसको मैंने अगेन कॉपी किया और इस वाले डायमेंशन के अंदर अगेन पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले डायमेंशन को मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा सेट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, लेट्स सपोज फैशन सिबलिंग्स, ओके, और इसका मैं साइज थोड़ा सा इस तरह से सेट एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास लोगो बन चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड, और इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इसको मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब ये मेरे पास एक लोगो डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे हमें फेव आइकन भी डिज़ाइन करना है। फेव आइकन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखें हर टैब के ऊपर हर वेबसाइट का एक छोटा सा आइकन नज़र आता है। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे कस्टम साइज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे 500x500 का इस तरह से एक कैनवस लेंगे और अगेन इस हमारा जो मेन आइकन है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कुछ इस तरह से सेटअप करके सेंटर के अंदर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो हमारे पास फेव आइकन भी बन चुका है और वो भी हमारे पास लोगो भी बन चुका है। तो यहाँ पे अभी के लिए हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से सेट हो रही है। तो अब सबसे पहले हमें लोगो रिप्लेस करना है और यहाँ पे फेव आइकन लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर जाएंगे। कस्टमाइज़ के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जाएंगे या साइट आइडेंटिटी पे ना भी जाएं तो यहाँ पे देखें आपको पेंसिल आइकन नज़र आ रहा होगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है, चेंज लोगो, अपलोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं डाउनलोड्स में जाके ये दोनों ही मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा स्किप क्रॉपिंग और यहाँ पर हमारा लोगो आ गया। इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कुछ इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं ये वाला साइज़ रखूँगा जो कि काफ़ी सही है। अच्छा, मैं कलर चेंज करना भूल गया, आप कर लीजिएगा यहाँ से कैनवा में कलर चेंज, जैसे यहाँ पे ये कलर जो है आपकी वेबसाइट का जो भी कलर होगा वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी काम था वो हो चुका है। अब दूसरा काम है हमारा ये वाला आइकन लगाना। तो मैं अगर यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ आऊँगा, साइट आइकन, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट आइकन कर दूँगा, ये वाला हमारा आइकन है, इसको मैं स्किप कर दूंगा और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें आप हमारा जो आइकन है वो नज़र आ चुका है, लग चुका है। इसको मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे देखें हमारा आइकन लग चुका है, ओके। तो ये हमारा लोगो लग गया, फेव आइकन लग गया और बेसिक डिज़ाइन हो गया। अब हमें इस पूरे डिज़ाइन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की मेन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके अंदर मुझे चाहिए बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा ब्लॉग जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मुझे कुछ इस तरह से नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। बट एडिट विद एलिमेंटर करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। सिंपल यहाँ पे आपने आना है डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू करना है और यहाँ पे लिखना है प्रीमियम एडॉन्स,
ओके, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम एडोन्स है, सिंपल इस पर इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे, सिर्फ इतना सा काम करना है हमने यहाँ पे। ये हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलेंगे एडिट विद एलिमेंटर की तरफ। और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है तो मैं वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इस थ्री डॉट्स पे आके इसके बैकग्राउंड के अंदर ये इमेज चेंज कर सकता हूँ, बट ये इमेज मुझे सही लग रही है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ जो कि काफ़ी डिसेंट लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यही बटन चाहिए, दैट्स ऑल, और अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कुछ इस तरह से रिमूव कर देता हूँ, और आई थिंक मुझे इनको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैटेगरीज के नाम लिख देता हूँ, जैसे वार्डरोब स्टाइलिंग, क्लोजेट क्लींजिंग, या जो भी है आपका, मतलब वो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, तो ये मेरी कैटेगरीज हो जाएंगी। तो इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं लिंक लगा दूँगा उन स्पेसिफिक कैटेगरीज़ का जो कि मैं इस ब्लॉग के अंदर कवर कर रहा हूँ। आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बिज़नेस नहीं है, हम ब्लॉग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पर हम देखें टोटल ये वाली चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और ये हमारे पास कैटेगरीज की होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा इस चीज़ को, और यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा। सेक्शन ऐड करने के बाद इस पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, इसके अंदर थोड़ी सी मैं गैप दे दूँगा टॉप से, लेट्स सपोज 5 और 5, और बॉटम से भी 5, ठीक है। ये मैंने एक वो दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिखना है लेटेस्ट ब्लॉग्स, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, और अब इसके नीचे मुझे ब्लॉग शो करवाने, इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिंपल ब्लॉग। तो यहाँ पे देखें ये ब्लॉग है, इसको मैं इसके नीचे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारे ब्लॉग शो हो गए। अब ये हेलो वर्ल्ड वाला ब्लॉग शो हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ बैकएंड के अंदर जाके डिलीट कर देता हूँ ताकि ये शो ना हो। तो ये मैं पोस्ट में आ गया, और यहाँ से इसको मैं ट्रैश के अंदर डाल देता हूँ, और अब मैं अपने ब्लॉग को जो है वो रीलोड करूँगा तो हमारे पास वही ब्लॉग शो होंगे जो हमारे हैं, डमी ब्लॉग शो नहीं होंगे, ताकि अच्छे से हमें डिज़ाइन का पता चल सके किस तरह से डिज़ाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पोस्ट जो है वो शो हो रही है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोस्ट शो करवानी है या कोई इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो इसका मैं सिंपल इधर पेंसिल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें इस ब्लॉग की पूरी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। सबसे पहले स्टाइल है, मॉडर्न चाहिए, तो यहाँ पे देखें इनका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह कार्ड्स की तरह का चाहिए, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इमेज भी आ गई है, आप लगा सकते हैं। ऑन साइड चाहिए, तो इस तरह से ब्लॉग को आप शो कर सकते हैं। बैनर चाहिए, इस तरह से आप ब्लॉग्स को शो कर सकते हैं। बट आई गेस क्लासिक जो थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें ये दो कॉलम है, एक रो के अंदर दो पोस्ट शो हो रही हैं, तो मैं करता हूँ तीन कॉलम्स कर देता हूँ कि एक रो के अंदर तीन ब्लॉग शो हों, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं, पोस्ट पर पेज इनको आप चेंज कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट आएँ, ठीक है। इक्वल हाइट को आप ऑन कर दें ताकि ये सारे ब्लॉग्स इक्वल हाइट के हों, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लेट्स सपोज किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर से जो है ब्लॉग शो करवाना है, तो यहाँ पे देखें मैच कैटेगरी, और यहाँ पे मैं उस कैटेगरी का नेम लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉग शो हों वो सिर्फ इस कैटेगरी से। अगर आप कोई भी ब्लॉग सेलेक्ट नहीं करते, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट ब्लॉग आप पोस्ट करेंगे बैकएंड से वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके अंदर से आप काफ़ी सारी फीचर इमेज के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो जैसे शो फीचर इमेज, अगर आप शो नहीं करवाना चाह रहे तो इसको हाइड कर सकते हैं, जो फीचर इमेज आपकी शो नहीं होंगी शो करवाना चाह रहे हैं हो जाएगी। जब कोई होवर कर रहा है, जूम इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन हैं,
आप इनको सेंटर में शो करवाना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट, मतलब तमाम सेटिंग्स जो हैं इस पूरे डिज़ाइन की वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं आप लोगों ने, तो स्टाइल में आके इनके कलर्स वगैरह आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज ओवरले है, ये टाइटल है, टाइटल का जो कलर है वो कुछ इस तरह से हम यहाँ से चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो मेटा डाटा, इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकेंगे। ये देखें, ये जो मेटा डाटा है तो इसका ये कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको कलर सूटेबल लगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉक्स की सेटिंग और इसके अंदर मार्जिन, हेडिंग, सॉरी पैडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से कर लोगे। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, पर मुझे यहाँ पे कितने ब्लॉग्स चाहिए थे, 4 नहीं, मुझे यहाँ पे 6 चाहिए। अगर मेरे मैंने ऑलरेडी 6 ब्लॉग्स पब्लिश किए हुए हैं तो 6 के 6 यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो फीचर इमेज वो लगा नहीं हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो दैट्स ऑल, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमारी जो ब्लॉग की लुक है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, हमारे पास हेडर है, यहाँ पे हमारे लेटेस्ट ब्लॉग शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज शो हो रही हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इन कैटेगरीज के ऊपर मुझे लिंक लगाना है, तो मैं वापस इधर जाऊँगा बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये है पोस्ट और यहाँ पे कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो रही हैं। आपको नई कैटेगरी ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 ही कैटेगरीज ऐड की हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं मुझे यहाँ पे 3 ही कैटेगरीज चाहिए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें इनको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फैशन है, इसके राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पे देखें मैं लिंक ऐड कर दूँगा फैशन वाला। ठीक है, जो फैशन कैटेगरी होगी यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँगा फैशन। इसी तरह से सेकंड वन का मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ग्रूमिंग, इसको कॉपी करूँगा इसके लिंक को, और यहाँ पर मैं ग्रूमिंग ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर सिमिलरली मुझे क्या करना है, ट्रेंडिंग कॉपी, और यहाँ पे अब जो भी शख्स इन पे क्लिक करेगा उसको इसी तरह की, मतलब उसी कैटेगरी की पोस्ट शो होंगी। ठीक है, इसको मैं अपडेट करके यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो इसके अंदर से उसको उसी पार्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुकी है किस तरह से आपने वो डिज़ाइन करना। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉग पेज है वो हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जबकि हमें इस तरह से ब्लॉग पेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेट किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आने के बाद रीडिंग के अंदर आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास जो है पोस्ट पेज, इसको सेलेक्ट कर लूँगा ब्लॉग पेज, और यहाँ पर मैं इसको सेव चेंजेस कर दूँगा। अब मैं इसको विज़िट करता हूँ अगर अपने ब्लॉग वाले पेज को, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह से ब्लॉग शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें कस्टमाइजेशन करनी है इस ब्लॉग वाले सेक्शन की। जैसे राइट साइड बार मुझे यहाँ पे लगाना है, और जब भी कोई बंदा इस ब्लॉग को ओपन करे तो यहाँ पे राइट साइड बार आना चाहिए। ठीक है, इसकी जो साइजिंग है, इसके कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ब्लॉग वाले सेक्शन को ऐड करना है, तो हमने यहाँ ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर आया इस तरह से, और फिर इसके अंदर मैंने क्लिक किया कस्टमाइज के ऊपर। अब जैसे ही मैं उस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर आया और मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से शो करवा देगा वही ब्लॉग वाला पेज, और यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये ब्लॉग वाले सेक्शन में आना है और ब्लॉग आर्काइव वाले सेक्शन में आना है। ये बेसिकली ब्लॉग आर्काइव है, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक राइट साइड बार ऐड करना है, तो सिंपल क्या करूँगा मैं यहाँ पर देखें, ये राइट साइड बार, और यहाँ पे ये देखें, ये राइट साइड बार ऐड हो चुका है। इसके अंदर से जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे अगर ओके अनबॉक्स्ड, बॉक्स्ड, इस तरह से आप इनकी जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स्ड कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर इसके डिज़ाइन जो हैं, अब ये सारी चीज़ें ना, अब इनको मैं एडिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये प्रो वर्जन के अंदर है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह इसकी मुझे एक ब्लॉग की, ये तो आर्काइव की सेटिंग हो गई। अब
मुझे सिंगल पोस्ट की सेटिंग करनी है। सिंगल पोस्ट की सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस इधर जाता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने अपडेट नहीं किया इसको। ओके, ये अपडेट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ वापस और इधर ब्लॉग के अंदर आता हूँ। ब्लॉग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें राइट साइड पर हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं इस सिंगल पोस्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें साइड बार ऐड नहीं है, ये मैंने ओपन किया। अगेन इस कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा तो यही वाला पेज हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मुझे अब इसकी सेटिंग्स करनी है, तो मैं इसके लिए सिंपल यहाँ अगेन ब्लॉग के अंदर जाऊँगा तो आर्काइव की बजाय सिंगल पोस्ट में जाऊँगा और इसका भी मैं जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से सेट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड बार पे हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पे मेन साइड बार पे, अब मुझे इनमें से जो चीज़ें रिमूव करनी है वो मैं रिमूव कर लूँगा। अब जैसे मुझे ये सर्च बार चाहिए, ओके मैं इसको रहने देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए इसको मैं इस तरह से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह अगेन इसको भी, रिसेंट कमेंट्स भी मुझे नहीं चाहिए, आर्काइव भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इन सबको इस तरह से डिलीट कर देता हूँ जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। कैटेगरीज जो हैं, अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिड है। तो ये रीसेंट पोस्ट चाहिए मुझे। अच्छा, इस सर्च बार की जगह ये सर्च बार काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और इस सर्च बार को डिलीट कर देता हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। ओके, अब देखें कुछ इस तरह से हमारे पास सेटिंग आ रही है। इस वाले रीसेंट कमेंट को मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा इसको। सिमिलरली ये मेटा डाटा भी मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। आर्काइव भी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से सेटिंग्स आ गई और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है ब्लॉग वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर आप जो भी पोस्ट करेंगे वो आप लोगों को अच्छे तरीके से शो होगी। अब मैं एक बेसिक सी डमी सी पोस्ट करके ऐड करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर आता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो कि डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग का एडिटर है, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए मेरे ख्याल से जो है क्लासिक एडिटर अच्छा रहेगा। आपने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे पहला प्लगइन आपको मिलेगा क्लासिक एडिटर। अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देना। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे अपने ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। ब्लॉग्स के यहाँ पे देखें काफ़ी सारा अच्छा इंटरफेस मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पे मैं एक पोस्ट ऐड करने की करके देखता हूँ किस तरह से शो होगी। फैशन वीक 2023 ये मैं टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। मैं टेक्स्ट क्या करता हूँ, किसी और ब्लॉग से अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। लेट्स से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये ब्लॉग और यहाँ पे जो भी आपका टाइटल होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अपना ब्लॉग, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहेंगे। और यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे किस कैटेगरी के अंदर ये जाना चाहिए। फैशन के अंदर मैंने रख दिया इसको और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और इसकी एक इमेज लगा देता हूँ, थंबनेल या कुछ इस तरह से। आई गेस ये वाला सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो ये मैंने फीचर इमेज लगा दी, पब्लिश किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर आके, यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमने ब्लॉग पोस्ट की और यहाँ पे देखें हमारे पास वो शो हो गई और उसी तरह से जैसे हमने ऐड किया था, राइट। अब मैं देखता हूँ मैंने इसको फैशन वाली कैटेगरी के अंदर ऐड किया था तो क्या फैशन पर जब क्लिक करूँगा ये वाली पोस्ट शो होगी। जी हाँ, ये शो हो रही है। तो ये देखें आपका एक काफ़ी अच्छा ब्लॉग और यूनिक ब्लॉग यहाँ पे बन चुका है। इसको आप जितना टाइम इसके ऊपर और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं कर सकते हैं कर लें, और काफ़ी सारे तरीके से अच्छे तरीके से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं थोड़े से ऑप्शंस को आप देखेंगे तो, राइट। तो ये एक ब्लॉग आप लोगों ने सेटअप कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कैसा क्या होता है कि जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे मेन्यू में शो हो रही होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपेयरेंस के अंदर आके मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखें कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, यहाँ से व्यू ऑल और यहाँ से आपने कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना है जो जो भी आप मेन्यू के अंदर शो करवाना चाहेंगे। यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर्स को, ये ब्लॉग है इसको इधर, और ये मैंने अरेंज करके अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज यहाँ पे भी शो हो गई है, ठीक है। अब एक कैटेगरी के अंदर
आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो हैं उसी कैटेगरी की पोस्ट जो हैं वो आपको नज़र आ रही है। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर काम करेगा, किस तरह से आप एक ब्लॉग डिज़ाइन करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर किस किस तरह से लगाएंगे, लोगों से लेके उसके कस्टमाइजेशन तक और बाकी सारी चीज़ें। तो किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज हम क्रिएट करेंगे वू कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए इंतहाई सिंपल तरीके से। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन अगर इस लेक्चर को पूरा देख लेता है तो वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है और मैनेज कर सकता है, और जो भी सेटिंग्स है ई कॉमर्स की वो भी मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारे काम किए जाते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी जो करंट वेबसाइट है वो काफ़ी मतलब बिल्कुल बेसिक सी है, कोई थीम कोई सेटअप इसके ऊपर नहीं हुआ पड़ा। तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर जाने के बाद सिंपल हमारे पास यहाँ पे आस्ट्रा मौजूद है, इसको हम सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है सिंपल यहाँ पे ऐड थीम पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें आस्ट्रा, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे देखें ये आपके पास थीम है, ये आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस तरह से एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा गेट स्टार्टेड का, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी जो प्लगइन्स हैं इसके रेलिवेंट उनको इंस्टॉल करेगा और उनको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे हम वापस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर अब हम अपनी वेबसाइट को देखें तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन बेसिक्स मौजूद है। सिंपल हम चलेंगे यहाँ पे अपेरेंस के अंदर और स्टार्टर टेम्पलेट। आप जब आस्ट्रा इंस्टॉल कर लेंगे और बेसिक नेसेसरी प्लगइन गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। सिंपल आपने क्लिक करना है एलिमेंटर और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमें चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ई कॉमर्स के जो टेम्पलेट हैं, डिज़ाइन हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। कुछ यहाँ पे प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं, तो प्रीमियम वाले ऑब्वियसली बात है हम फ्री वाले वर्जन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे फ्री वाली ही टेम्पलेट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ करते हैं और उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब लेट्स से मुझे एक इस तरह की ग्रॉसरी स्टोर बनाना है, ऑर्गेनिक स्टोर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिंपल सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें हमें इस पूरे डिज़ाइन का जो लेआउट है, किस तरह से ये हमारी वेबसाइट पे शो होगा, वो सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको प्रोसीड कर दें यहाँ से, अदरवाइज बैक जाके कोई और टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे अगर कलर्स आपने चेंज करने हैं इसके अंदर कि कौन से कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से आप प्री मेड ऑलरेडी ही कलर चेंज कर सकते हैं। बट इसका डिफ़ॉल्ट कलर इस स्टोर के डिज़ाइन के साथ अच्छा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसी को चूज़ कर लेते हैं, इसी कलर को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबमिट एंड बिल्डिंग माई वेबसाइट। तो यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा विद इन फ्यू क्लिक्स, जैसा कि आपने देखा, और पूरा इसी तरह की वेबसाइट हमारी इस खाली वेबसाइट के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से हम उनको ऐड करेंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे, और जो पेजेस हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। और यहाँ पर देखें ये ऑप्शन दे रहा है के कार्ड फ्लो और ये सारी चीज़ें, तो हम इसको क्या करते हैं ट्राई अगेन एंड अगेन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि इम्पोर्टिंग कार्ड फ्लो फेल ड्यू टू द पार्स जेसन एरर, हम इस पर अगेन क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है उसको एक दो बार इसी तरह से ट्राई करेंगे तो आपका जो पूरा वेबसाइट है वो कम्प्लीट इम्पोर्ट हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मली ये एरर नहीं आता लेकिन सम टाइम आ जाता है, तो आपने कुछ इस तरह से उसको कर लेने, एक दो बार दोबारा से ट्राई अगेन करेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने किया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो इम्पोर्टिंग है साइट वो ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुका है,
तो इसका यहाँ पे देखें ये 100% हो चुका है एक्चुअली। और अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करें तो यहाँ पे देखें हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन जो हमने चूज़ किया था, राइट। अब यहाँ पे जो मेन काम है वो ये है, यहाँ पे देखें एग्जैक्टली उसी तरह। अब यहाँ पे हमारे जो मेन काम है वो ये है कि हमें इस स्टोर का डिज़ाइन को एडिट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इमेज है, इसको अगर चेंज करना है, ये टेक्स्ट को चेंज करना है, इस बटन पे क्या यूआरएल आएगा वो लगाना है, इस टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड होंगी, डिलीट होंगी, जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर देखता हूँ तो यहाँ पे ये इसका टाइटल कैसे चेंज होगा, प्राइसिंग कैसे चेंज होगी, ये डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये किस तरह से किए जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सी दो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को बता रखा है कि हमारे पास दो चीज़ें, एक एलिमेंटर से एडिटिंग करना और दूसरा कस्टमाइजेशन। अब जैसे ये हेडर है, ये लोगो चेंज करना है या यहाँ से इनके कलर्स चेंज करने हैं या कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड या डिलीट करनी है, तो वो हम कस्टमाइजेशन में जाके करेंगे, राइट। अगर इस पूरे पेज के अंदर ये वाली जो टेक्स्ट है, इमेज है, ये आइकन है, ये चेंज करने हैं, ठीक है, तो ये वाली किस तरह से करेंगे, तो एडिट विद एलिमेंटर से करेंगे। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स डायनामिकली आ रहे हैं यहाँ बैकएंड से। आप फ्रंट एंड पे आपने ये इस तरह से सेटिंग कर दी और बैक एंड से जैसे ही आप प्रोडक्ट डालेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे हमारे पास शॉप का पेज होगा, यहाँ पे देखें ये शॉप का पेज है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। बट लेट मी शो यू द बोथ वे, किस तरह से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और किस तरह से कस्टमाइजेशन करेंगे। चलिए लेट्स सपोज हमें ये वाली जो पेज है इसको एडिट करना है, इसके अंदर कुछ इमेजेस ये वाली चेंज करनी है, कुछ टेक्स्ट ये वाला चेंज करना है और यहाँ से जो भी टेक्स्ट वगैरह इमेजेस हैं वो बेसिक से चेंज करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से। तो हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद हम अपने पेज को जो है वो एडिट कर पाएंगे। इसी सेम तरीके से आप कोई भी पेज एडिट कर सकेंगे, अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, बट जो डायनेमिक पेज हैं जैसे चेकआउट या फिर शॉप पेज या फिर जो कार्ट पेज है, इस तरह के जो पेजेस हैं वो इसके अंदर फ्री वर्जन के अंदर आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सीरीज़ रिकॉर्ड कर दी है किस तरह से आप WooCommerce की सीरीज़ आप मेरे चैनल के अंदर जाके देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो चेकआउट पेज है उसको किस तरह से एडिट करना है, कार्ट पेज को किस तरह से एडिट करना है, सिंगल प्रोडक्ट पेज को इस तरह से एडिट करना है, राइट। बट यहाँ पे हम बेसिक एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये इमेज है, इस यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखें इसके सारे ऑप्शंस आ गए और यहाँ पे इसके स्टाइल्स हैं। अगर लेट्स सपोज ये हमने सेंटर में रखना है तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कर देंगे। कंटेंट के ऊपर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे देखें इसका कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी जो इसकी फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट क्या होगा, इसी तरह से शेडो, डिस्क्रिप्शन, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इमेज चेंज करनी है, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास, हमारी जो इमेज है वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ से भी हम चूज़ करके लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाली इमेज लग गई। अगर मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारी इमेजेस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी के लिए हम जो पुरानी इमेज थी वो मेरे ख्याल से ठीक लग रही थी, उसी को यहाँ पे यूज़ करके अपडेट कर देंगे। इसी तरह से ये देखें ये आइकन्स वगैरह को चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर पाएंगे आप। तो सिंपल आपने जस्ट क्लिक करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है। अब इन प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करेंगे तो वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से बैक एंड से जाके ये प्रोडक्ट्स है ऐड न्यू करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो उसको मैं अभी आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पे हमारा जो मेन गोल था वो किस तरह से इनको एडिट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बटन का जो टेक्स्ट है ये चेंज करना है, इस पर लिंक लगाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आके इसका कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइलिंग करनी है, जो भी इस बटन की आपने अपने अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक से एडिटिंग आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एलिमेंटर से किस तरह से करनी है, कोई भी पेज आपने एडिट करना है। बट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे अगर मैं इनको कहीं पे एडिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्लिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा।
क्योंकि ये वाली चेंजेस जो हैं वो कस्टमाइज के अंदर जाके होंगे, और इसी तरह फूटर के अंदर ये जो चेंजेस है यहाँ पे हमने ऐड करना है, डिलीट करना है, इन पर लिंक्स लगाने हैं या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें कस्टमाइज के अंदर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से चलता हूँ वापस, और यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज है, तो सिंपल इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डाल दूंगा, और यहाँ पे FAQs अगर मुझे चाहिए तो रख लूँगा, अदरवाइज मैं इनको डिलीट कर दूँगा। लेट्स से मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, और मुझे जो भी कंटेंट यहाँ पे चेंज करना है वो मैं यहाँ पे इसी तरह से सेम उसी तरह से चेंज कर पाऊँगा। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें ये टाइटल, ये उसका डिस्क्रिप्शन, और अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, दो चाहिए, तो मैंने एक को डिलीट कर दिया, इसी तरह इस पर क्लिक किया, यहाँ पे दो रख लिए, चार हो गए। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये दो ही चाहिए तो मैं इस पूरे कॉलम को इस तरह से डिलीट कर दूँगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास दो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो गए, और मैं इस स्टाइल के अंदर इसको चाहूँगा तो मैं इसको डुप्लीकेट करता जाऊँगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिमेंटर से एडिटिंग आपने आई होप बेसिक सी आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसके साथ प्ले करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। मज़ीद इसके बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर जानना है एलिमेंटर में, मैंने कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। आप कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर, डेवलपर बन सकते हैं, और अपने सर्विसेज को अच्छे दामों में फाइवर या अपवर्क पर बेच सकते हैं, और फाइवर अपवर्क का भी कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा इनकी, तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखें ये ऑप्शन में मुझे ये वाले चेंज करने हैं, इनको हाइड करना है, ऐड करना है, या इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फूटर हैं, यहाँ पे लिंक लगाने हैं, ये मुझे डिलीट करना है, एडिशन करनी है, जो कुछ भी करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा कस्टमाइज के ऊपर। तो हम क्या चले जाएंगे, इस थीम के कस्टमाइजर वाले सेक्शन में चले जाएंगे, और वहाँ से हमें जो भी एडिट करना होगा वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब ये वाले जो पेज के सेक्शंस हैं ये एक्टिव नहीं है, इनको हम एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि एलिमेंटर के ऊपर बेस्ड है और एलिमेंटर से एडिट होंगे। बट लेकिन यहाँ पे मैं माउस ले गया तो देखें पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये हमें कह रहा है कि ये जो मेन्यू है इसका डिज़ाइन आपने चेंज करना है, इसके कलर चेंज करना है। यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर है इनके ऊपर, ठीक है, ब्राउन है, इसको आप रेड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ पे देखें। ठीक है, हमें ग्रीन चाहिए तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया कुछ इस तरह से, और बाकी जो फॉन्ट का जो भी चीज़ें हैं इसकी, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, यहाँ पे देखें इस साइज़ को आप इस तरह से बड़ा कम कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप, तो इसकी ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो पे यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सिलेक्ट अ लोगो, आप सिंपल यहाँ से लोगो सिलेक्ट करेंगे और आप उसको एज अ यूज़ कर लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला लोगो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये लोगो चेंज नहीं हुआ तो मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें ये वाला जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए है। ठीक है, अब मैं इसको बैक आता हूँ और यहाँ पे साइड टाइटल एंड लोगो पे जाता हूँ और यहाँ से लोगो चेंज करता हूँ, तो स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें ये लोगो हमारा अपडेट हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वही लोगो यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सही लग रहा था और मैं उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से, इसी तरह से ये दूसरा मेन्यू है, इसकी आपने चेंजेस करनी है, इसके डिज़ाइन में चेंजेस करनी है, इसका फॉन्ट साइज और सारी चीज़ें करनी है, वो मैं यहाँ से एडिट कर पाऊँगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास स्कूटर है, इस स्कूटर का ये लोगो चेंज करना है, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये इमेज है, इसको चेंज करेंगे हम, और जो भी इमेजेस लगाना चाहें वो यहाँ से रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके लगा सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, तो ये देखें ये वाला लग गया है। इसी तरह से यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे इनको मैं मुझे रखना है या डिलीट करना है, तो ये देखें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट करना है, तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को एडिट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखें हमारे पास, यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर मुझे शॉप पेज चाहिए जो कि यहाँ पे बॉटम में है, तो उसको मैं किस तरह से ऐड करूँगा। तो सिंपल यहाँ से बैकएंड में जाऊँगा, मैं अपीयरेंस में जाऊँगा, मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, सारे पेजेस नज़र आएंगे। इसको मैं अच्छा यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना दो मेन्यूज़ हैं,
एक ये वाला मेन्यू है, एक ये वाला। अब मुझे इस वाले में, इसमें तीन ऑप्शन हैं, तो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ शॉप वाला, तो ये इवन हो जाएंगे, ज़रा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखें, लेकिन ये वाला मेन्यू सिलेक्टेड था, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से सेकेंड मेन्यू इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें, ये वो वाला मेन्यू आ गया, इसके अंदर हमने पेज सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें, शॉप पेज हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं। अब हमें प्रोडक्ट्स किस तरह से मैनेज करनी है, बैकएंड से किस तरह से ऐड या डिलीट करनी है और किस तरह से एडिट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वाले ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है और सिंपल हमारे पास यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो मैं होवर करूँगा और यहाँ पे मूव टू ट्रैश कर दूँगा इसको, ठीक है। अगर एडिट करना है तो सिंपल यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट की एडिशन और सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, प्राइसिंग रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो प्रोडक्ट और ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, चिली गार्लिक, आई होप यही स्पेलिंग है। मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे उसकी प्राइस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, $100, और सेल प्राइस ऐड कर देता हूँ कि $100 की ओरिजिनल प्राइस है लेकिन सेल प्राइस में हम $90 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अगेन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट की इमेज चूज़ कर लेता हूँ, मेन इमेज, जिस तरह से ये हमारे पास मेन इमेज है, एक मेन इमेज चूज़ कर लेता हूँ। तो अभी के लिए मुझे मेन इमेज लेट्स सपोज ये वाली या फिर ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ओके, ये वाली इमेज चूज़ कर ली। अब यह प्रोडक्ट गैलरी, तो इसके अंदर मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस चूज़ करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ से रैंडम अभी इमेजेस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने गैलरी के अंदर ये इमेजेस ऐड कर दी। अब मैं इसको कर दूंगा पब्लिश, ठीक है। अब मैं अपनी जो शॉप पेज है उसको देखूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि वो प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए, चिली गार्लिक हमने 90 का लगाया था, $100 ओरिजिनल प्राइस लगाई थी, पर इसको मैं खोल के देखूँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऐड की हुई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, राइट। तो ये था बेसिक सी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड किस तरह से लगाना है, लेट्स सपोज आपको अब स्ट्राइप या पेपाल या कोई और कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करना है, तो आप यहाँ वूकॉमर्स पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखें, पेमेंट्स का ऑप्शन है और पेमेंट्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखें, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी को ऐड कर देता हूँ, चेक पेमेंट्स या जो भी हैं आप उनको यहाँ पे इस तरह से एडिट करके और यहाँ से फिर इसको फिनिश सेटअप पे और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, API कीज़ और वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पूरे लेक्चर का मकसद सिर्फ बेसिक्स बताना था कि किस तरह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, आपको डेवलपर को देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप इस तरह से ईजिली अपनी एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी, आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आस्ट्रा फ्री वर्सेस आस्ट्रा प्रो। आस्ट्रा प्रो के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, या फिर आपको आस्ट्रा प्रो की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो किन किन फीचर्स के लिए ज़रूरत है, और आस्ट्रा प्रो आपको कौन कौन से फीचर्स देगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आज हम इस पूरे लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि किस तरह से आस्ट्रा प्रो के अंदर थोड़े एडवांस फीचर हैं और ज़्यादा फीचर हैं, ताकि अपनी वेबसाइट पे आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकें और ज़्यादा उसको कस्टमाइज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट। इसके अंदर मैं आपको एक बेसिक्स ओवरव्यू दूंगा और बताऊंगा कि बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और कौन कौन से, और कुछ को मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास है आस्ट्रा प्रो का जो है ऑफिशियल लिंक, यहाँ पे आप इसको ओपन करके खुद भी इसके अंदर डिटेल पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे,
जो कि आस्ट्रा प्रो के अंदर, आस्ट्रा फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेंगे। वो कॉमर्स के अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेंगे, डिफरेंट साइट्स के लेआउट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ब्लॉग लेआउट्स आप मैनेज कर पाओगे, बेटर टाइपोग्राफी, ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कलर ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे कलराइज करने को अपनी वेबसाइट को। इन शॉर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा विजिट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाएगा अपने मेन्यू या कोई भी अपनी वेबसाइट के कोने को आपने डिज़ाइन करना है या एडिट करना है, कस्टमाइज़ करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्टिकी हेडर का ऑप्शन है, ये वेबसाइट अगर हम स्क्रॉल करें तो ये देखेंगे जो हेडर है ये भी ऊपर गायब हो रहा है लेकिन स्टिकी नहीं हो रहा, राइट, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको चलता हूँ ज़रा लाइव दिखाता हूँ कि अभी के लिए, अभी जो फ्री वाला इंस्टॉल्ड है इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और पेड के अंदर हमें क्या फ़ीचर मिलेंगे। तो अगर मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे देखें, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे फ्री के अंदर। ये सारे ऑप्शन हमें फ्री के अंदर मिल रहे नहीं मिल रहे कि मोर शॉप डिज़ाइन लेआउट। अब यहाँ पे देखें ये एक ही लेआउट है, ठीक है, इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट आस्ट्रा प्रो अगर आपके पास होगा तो इन लेआउट्स को आप चेंज भी कर पाएंगे डिफरेंट तरीके से, जो कि हम आगे चल के देखेंगे भी सही। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ब्लॉग वाले से सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, जैसे मोर प्रोडक्ट गैलरी, स्टिकी प्रोडक्ट समरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेआउट्स, ठीक है, मोर कलर ऑप्शन, मोर डिज़ाइन कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री वाले में नहीं मिल रही। इसी तरह कार्ट पेज के अंदर मॉडर्न कार्ट लेआउट, स्टिकी कार्ट टोटल, रियल टाइम क्वांटिटी अपडेट, ये आपको नहीं मिल रही, ठीक है, फ्री वाले ऑप्शंस के अंदर। तो इसी तरह हर ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको नहीं अवेलेबल हो रही फ्री वाले वर्जन में। ब्लॉग के अंदर हम जाएंगे, ब्लॉग आर्काइव में ये देखें, आर्काइव ब्लॉग लेआउट, ग्रिड मॉन्सरी लेआउट, कस्टम फीचर, इमेज साइज कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही फ्री वाले वर्जन के अंदर। तो ऐसे और काफ़ी सारे ऑप्शन थे इन सब के अंदर जो कि हमें फ्री वाले सेक्शन के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे अगर फूटर बिल्डर में जाऊँ तो देखें फूटर डीवी एलिमेंट, डिवाइडर एलिमेंट, लैंग्वेज स्विचर एलिमेंट, क्लोन डिलीट एलिमेंट, इंक्रीज एलिमेंट, तो ये सारे ऑप्शन हमें नहीं मिल रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो आस्ट्रा प्रो है उसको इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज़ फाइल कर लूँगा। चूज़ फाइल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये पूरा प्लगइन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा WP और ये आस्ट्रा प्रो प्लगइन, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको आस्ट्रा प्रो चाहिए तो आप उसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर आस्ट्रा प्रो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइसेंस एक्टिवेट करके दे दूंगा। ये नल्ड नहीं है, क्रैक नहीं है, ऑफिशियल लाइसेंस है जो कि अभी मैं आपको एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा। इसके अंदर आप बहुत सारी और ऑप्शंस एक्सेस कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, अगर ये आपको फ्री में चाहिए और आप अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं, तो जो भी डोमेन और होस्टिंग अगर आपको चाहिए और वो आप मेरे एफिलिएट लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उससे परचेज करेंगे, तो आपको आस्ट्रा प्रो जो एजेंसी लाइसेंस है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल और लाइसेंस एक्टिवेट करके दूंगा, राइट। ओरिजिनल प्राइस जो आस्ट्रा एजेंसी लाइसेंस की है वो $938 है, आई थिंक इतनी ही है, लेकिन वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग एंड डोमेन बाय करेंगे, $35 के अंदर आपको 1 ईयर के लिए होस्टिंग, डोमेन किसी भी एक्सटेंशन के अंदर .net.com और SSL ये मिलेगा जस्ट इन $35। तो नीचे गए दिए गए लिंक से जाके डोमेन और होस्टिंग बाय करें और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके बताएं और मैं आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दूंगा, राइट। तो ये हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है, सिंपल इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमें इसको इसका जो लाइसेंस के साथ इसको एक्टिवेट भी करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास हो गया और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कि एक्टिवेट करें अपनी कॉपी को, तो सिंपल मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और ये लाइसेंस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा जिस वेबसाइट पर मैं सेटअप करके दूँगा। तो यहाँ पर देखें ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अच्छा यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली ये हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पे हम अपना जो लाइसेंस है लाइसेंस की उसको ऐड करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो
तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वाले सारे ऑप्शंस हमें ऑन करने हैं, ठीक है। ये आस्ट्रा प्रो के अंदर मॉड्यूल्स हैं, इनको मैं एक्टिवेट ऑल कर सकता हूँ या जो भी लेआउट आपको चाहिए। तो मैं अभी के लिए ये एक्टिवेट ऑल कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ओके, ये हमारे पास एक्टिवेट ऑल हो चुके हैं। इनको मैं रिलोड करता हूँ और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ये सारे मॉड्यूल्स। अच्छा, ये एक्टिवेट नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई। अब ज़रा रिलोड करता हूँ, आई थिंक ये स्पीड की वजह से जो है एक्टिवेट नहीं हो रहे। हम चल के ज़रा इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन गया या नहीं गया या स्टिल अवेलेबल है। अच्छा, आई गेस ये अपडेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे देखें ये वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो मेक श्योर जब मैं आपको ये इंस्टॉल करके दूँ तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से जो है अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये अपडेट हो चुका है। अब वापस मैं आता हूँ यहाँ पे आस्ट्रा के अंदर और यहाँ पे ये वाले मॉड्यूल्स हैं, इन सबको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब अगर मैं अपने कस्टमाइज़र के अंदर यहाँ से जाता हूँ, कस्टमाइज़र, तो यहाँ पे देखें हम आस्ट्रा प्रो के अंदर ऑफिशियली आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये शॉप वाला पेज, इसको मैं एडिट कस्टमाइजर के अंदर एड ओपन करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज कर देता हूँ। अब अगर हम WooCommerce वाले इस वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें, और ये प्रोडक्ट कैटलॉग है बेसिकली, तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग वाले सेक्शन के अंदर जाएं हम, तो यहाँ पे देखें और काफ़ी सारे लेआउट हमारे पास नज़र आ चुके हैं और जो वो ऑप्शंस थे वो सारे काफ़ी सारे एक्सटेंड हो चुके हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास हो चुके हैं। जैसे ये जो साइड बार है इसको मुझे स्टिकी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ये स्टिकी हो जाएगा। पे डिस्प्ले पेज टाइटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे देखें मैं अपने प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मेरे प्रोडक्ट शो हो गए, इस तरह से शो करवा सकता हूँ, ठीक, और इस तरह से शो करवा सकता हूँ। मतलब काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें इन कॉलम्स को मैनेज कर सकता हूँ कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो सारे हम इस तरह से मैनेज कर पाएंगे। मतलब अपने पूरी शॉप पेज को या जो भी सेक्शन है पूरी वेबसाइट का उसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर पाएंगे ज़्यादा ऑप्शंस के साथ। हर एक एक चीज़ को हम कस्टमाइज़ कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें हम अगर सिंगल प्रोडक्ट पेज को मैं अगर ओपन करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज आ गया। इस वाले को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए कि मुझे अपना प्रोडक्ट किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं उनको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे और गैलरी इमेजेस ऐड नहीं है तो मैं ज़रा कोई और प्रोडक्ट आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये वाला प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, तो इसके अंदर ये देखें ये साइड पे शो हो गई है क्योंकि हमने उसी तरह से सेटिंग की थी। अब ये वाले जो ऑप्शन थे ये हमें फ्री वाले वर्जन के अंदर नहीं मिल रहे थे, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है हेडर बिल्डर है हमारे पास, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें स्टिकी हेडर, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे देखें वो जो हेडर है वो हमारा गायब हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हमारे पास इनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ड ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें क्या करना था, हेडर के ऊपर आके ये हमारे पास हेडर है और हमें हेडर को स्टिकी करना है। तो मैं इसको अबाउट द हेडर बिलो भी कर सकता हूँ, जहाँ पे दिल चाहे मैं उसको स्टिकी कर सकता हूँ। इसको मैंने पब्लिश किया। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ ये पब्लिश नहीं हुआ था।
करके इसको मैंने पब्लिश कर दिया, ये बेसिकली प्राइमरी हेडर है। पर अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये डेफिनेटली स्टिकी हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा उसी तरह से शो हो रहा है, स्टिकी हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं आपको प्रो कोई वर्जन के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होंगे आपके लिए। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि आस्ट्रा फ्री और प्रो एडवान के अंदर क्या फ़र्क है और कौन कौन से किस किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आस्ट्रा प्रो के अंदर। अगर आपको आस्ट्रा प्रो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग डील लेके आया हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके लिए सिंपल और सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड करके दूँगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग परचेज करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लाइसेंस एजेंसी का पूरा लाइसेंस यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट करके दूंगा। प्रीमियम टेम्पलेट्स आप इंस्टॉल कर पाएंगे, सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे आस्ट्रा थीम की, राइट। हर तरह की टेम्पलेट, प्रीमियम टेम्पलेट तक भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आस्ट्रा की जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, प्रीमियम साइट्स हैं, उनको किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से उसका सेटअप करना है और उसकी क्या प्राइजिंग्स हैं और किस तरह से वो आप ले सकते हैं, किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं और किस तरह से बहुत ही ज़्यादा चीप के अंदर आप हासिल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको पूरा मेथड समझाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूँ तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा आस्ट्रा का फ्री वर्जन। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आस्ट्रा को। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नज़र आ गया तो सिंपल मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या कर लूँगा, एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट होने के बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर और यहाँ पे मेरे जो नेसेसरी प्लगइन्स हैं जो आस्ट्रा के साथ आएंगे, बेसिक प्लगइन्स, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया है। सिंपल यहाँ पे मैं वापस एडमिन के ऊपर, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर ऊपर चला जाऊँगा, राइट। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं चलता हूँ ज़रा इस तरह की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट डिज़ाइन प्रीमियम पड़े हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते जबकि हमारे पास लाइसेंस नहीं हो और प्रीमियम जो है वो सब्सक्रिप्शन ना हो ग्रोथ प्लान की, राइट। तो मेरे पास ग्रोथ प्लान है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस है, वो मैं आपको दे सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग एंड डोमेन बाय करते हैं जस्ट $35 के अंदर फॉर वन ईयर डोमेन होस्टिंग एंड SSL आपको मिल जाएगा। अगर मेरे लिंक से आप वो परचेज करते हैं तो मैं आपको आस्ट्रा का जो ये एजेंसी प्लान या ग्रोथ प्लान है लाइफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दूंगा, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा। अगर आपको वैसे ही चाहिए तो मैं आप बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आस्ट्रा एजेंसी प्लान जो है वो सेटअप करके दे सकूँगा। उसके बाद आप सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे आस्ट्रा थीम के, इवन ये प्रीमियम टेम्पलेट्स भी आप ऐड कर पाएंगे। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे देखें लाइफ टाइम बंडल की, ग्रोथ बंडल की 937 है और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा, आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट करके दूंगा, राइट। तो चले चलते हैं कि इनको किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सेटअप किया, आस्ट्रा का थीम इंस्टॉल किया और ये सारी चीज़ें की। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद हमें दो प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला प्लगइन है हमारे पास यहाँ पे जो है आस्ट्रा प्रो, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसका नाम है आस्ट्रा प्रीमियम साइट्स। तो इन दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, सिंपल इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे देखें मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि अपनी जो आस्ट्रा है उसकी कॉपी को एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ और ये आस्ट्रा के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी लाइसेंस की ऐड करनी पड़ेगी। तो ये मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे पास है दूसरा प्लगइन जिसका नाम है प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो मुझे इसका जो है लाइसेंस एक्टिवेट करना है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब हम टेम्पलेट इम्पोर्ट करेंगे तब यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा। तो अभी ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखें ये अपडेट का ऑप्शन है। इस आस्ट्रा प्रो को हमें क्या करना है, अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर।
अच्छा ये आई डोंट नो वाई क्यों नहीं हो रहा, दोबारा से रिलोड करता हूँ इसको। यू हैव टू वर्शन ऑफ स्टार्टर, एक्टिवेट टेम्पलेट, डीएक्टिवेट वन। तो मैंने ये डीएक्टिवेट कर दिया। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो आस्ट्रा प्रो है वो एक्टिवेट सॉरी अपडेट हो चुका है, बस इतना ही करना था हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर, और स्टार्टर टेम्पलेट्स से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एलिमेंटर, और यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रीमियम टेम्पलेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मुझे कोई भी टेम्पलेट प्रीमियम के अंदर पसंद आ रही है, यहाँ पे देखें एजेंसी लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब अभी मुझे करना है लेकिन प्लगइन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेट्स सपोज ये वाला जो डिज़ाइन है ये एजेंसी प्लान के अंदर है, जो कि फ्री में आपको नहीं मिलेगा, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, गेट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें ये मुझसे लाइसेंस की, और यहाँ पे देखें मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। होने के बाद मैं इसको अगेन वापस क्लिक करके इम्पोर्ट साइट, अब जितनी भी जो प्रीमियम साइट्स थी इसके अंदर आस्ट्रा के अंदर, उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उनको मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ। कोई भी टेम्पलेट है, कोई भी सेटिंग है, सारी प्रो सेटिंग्स मेरे पास यहाँ पे अब अवेलेबल हैं। तो कंप्लीट एक्सेस मुझे जो आस्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन का वो मिल चुका है, क्योंकि मैंने आस्ट्रा प्रो भी इंस्टॉल एंड सेटअप एंड एक्टिवेट कर चुका हूँ लाइसेंस की के साथ, और इसी तरह से प्रीमियम साइट्स का जो लाइसेंस की है वो भी मैं सारा कुछ सेटअप कर चुका हूँ। अगेन बताते चलूँ, अगर ये आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंतहाई चीप रेट्स के अंदर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं फॉर वन ईयर, तो आप लोगों को ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए अपडेट कर दूंगा, ये सारे प्लगइन्स विद लाइसेंस, तो आपको कोई भी क्रैक चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली इम्पोर्ट हो चुकी है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो हमारा जो प्रीमियम डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड हो चुका है, और बिल्कुल जो उसकी वो था मतलब हमारे पास उसका जो डिज़ाइन है वो इम्पोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ डिफरेंट, तो यहाँ पे देखें ये पूरा डिज़ाइन जो है इम्पोर्ट हो चुका है। अगर मैं कस्टमाइज़ के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं देखूँ तो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अब लॉग आर्काइव में जाता हूँ तो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे अभी वो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने आस्ट्रा प्रो की जो वो है वो एक्टिवेट नहीं किया, उसके मॉड्यूल्स। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें ये मॉड्यूल्स हैं एक्टिवेट ऑल, और यहाँ पे ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। राइट, अब अगेन मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनसे मैं अपनी वेबसाइट को मज़ीद एडिट कर सकता हूँ। जैसे हेडर के अंदर, जैसे यहाँ पे स्टिकी हेडर आ गया, और काफ़ी सारे ऑप्शन जो जो भी हमें फ्री के अंदर नहीं मिल पा रहे थे वो सारे अब यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।